स्टैटिस्टिक्स या स्टैट्स में आज हम सीखने वाले हैं कि मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं। मीन निकालने का क्लास 10 में तीन मेथड है। पहला डायरेक्ट मेथड है, जिसके बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है। दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें हमको एक नंबर अज्यूम करना होता है, मानना होता है, और उसकी हेल्प से हमको मीन निकालना होता है। और तीसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। ये मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड की हेल्प से ही यूज किया जाता है और हम मीन निकालते हैं। लास्ट के दो मेथड यानी अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी कैलकुलेशन डायरेक्ट मेथड में मुश्किल होती है, यानी कैलकुलेशन बड़ी होती है तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो हम इन दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। कैसे आसान होगी अभी हम सीखेंगे। ये जो मीन या एवरेज है वो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ढेर सारे नंबर्स रखे हुए, उसमें से मैं एक नंबर निकालता हूं और आपको देता हूं और बोलता हूं ये नंबर एवरेज नंबर है। इसका मतलब हुआ वो नंबर जो मैंने आपको दिया एवरेज नंबर, वो नंबर जो बाकी के नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल की प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल आते हैं आपकी क्लास, टीचर से पूछते हैं कि क्लास 10 जो आपका सेक्शन है, लेट्स से सेक्शन ए, क्लास 10 में इस सेक्शन का क्या परफॉर्मेंस है। आपकी क्लास टीचर बोलती है 75%। क्या उन्होंने एक एक स्टूडेंट के मार्क्स बताए? नहीं बताए, सिर्फ बताया 75%। तो एक आइडिया लग गया कि क्लास में ऐसा भी हो सकता है कि कम भी परसेंटेज हो, ज्यादा भी परसेंटेज हो, लेकिन ऑन एन एवरेज क्लास का जो परसेंटेज है पर स्टूडेंट है वो 75% है। अगर वो कुछ ऐसे बताती कि रामू का इतना, श्यामू का इतना, रहमान का इतना, रहीम का इतना, जसप्रीत का इतना, बलजीत का इतना, तो मुश्किल होती, तो हमको आइडिया नहीं लग पाता, एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाती और उस डेटा को याद करना भी मुश्किल होता। इसलिए हम एवरेज या मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको क्विक और फटाक से पता चल जाए और हमको यह भी पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर क्लास या डेटा में कौन सा ऐसा नंबर है जो सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर देता है। मीन का एक फार्मूला हमने क्लास 9 में सीखा हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि एक एक्स होता है, एक्स के ऊपर ऐसे एक बार लगा देते, एक छड़ लगा देते, तो इसको पढ़ता है एक्स बार और इसी को हम मीन बोलते हैं। इसका फार्मूला था सिग्मा, ये इस तरह से चिन्ह बताते थे। सिग्मा ये ग्रीक भाषा का एक लेटर है, कैपिटल लेटर है, इसका स्मॉल लेटर भी होता है लेकिन हमको तो काम है कैपिटल से, तो हम कैपिटल यहां पे लिखते हैं। तो इसको पढ़ते हैं सिग्मा, लेकिन ये मैथमेटिक्स में बताता है कि सारी चीजों को जोड़ना, कैसे जोड़ना अभी बेहतर ढंग से समझ पाए। उसके बाद था एफ आई, एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 4 और यहां पे लिख दूं 6, यहां पे लिख दूं 7। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक फिक्स्ड नंबर कितनी बार रिपीट होता है। जैसे 4 एक फिक्स नंबर है और ये 2 बार रिपीट होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 2 हुई। 6 एक फिक्स नंबर है जो 3 बार रिपीट होता है, यानी 6 6 6, और यहां पे 4 लिखा है तो एक बार 6। और 7 3 टाइम्स का मतलब हुआ 7 एक फिक्स्ड नंबर है जो 3 बार रिपीट हुआ, 7 7 7। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई फिक्स चीज कितनी बार रिपीट होती है। दूसरा था एक्स आई, एक्स क्या है, एक्स एक फिक्स्ड नंबर है, कौन सा नंबर, ये वाला जो नंबर मैंने लिखा यह फिक्स्ड नंबर है। और उसके बाद था सिग्मा, फिर से लगा था सिग्मा मतलब जोड़ना, एफ आई, ये आई क्या है, अब एक ही डेटा तो होता नहीं,
ढेर सारे होते हैं, जैसे इसका निकालोगे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सबको जब जोड़ोगे तो अब यहां पे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ ही है, और भी हो सकता है 20, 25, 50 लाख, तो आई का मतलब कितना भी नंबर हो सकता है। तो फाइनली हमने ये फार्मूला सीखा था मीन निकालने का। क्लास 9 में हमको ये फिक्स्ड नंबर दिया रहता था, तो हम क्या करते थे, एफ एक्स आई ये वैल्यू निकालनी होती तो एफ का एक्स से गुणा कर देते थे, और उसके बाद गुणा करने के बाद जो वैल्यू एक एक की आती थी सबको जोड़ लेते थे, ऊपर रख देते थे, और एफ आई को जोड़ के हम नीचे रख देते थे और डिवाइड करते थे, आंसर आ जाता था किसका, मीन हमको पता चल जाता था। अब यहां पे तो फिक्स नंबर है नहीं, क्लास 10 में आप पहुंच गए हो तो अब थोड़ा सा आपको डेटा और मुश्किल दिया जाएगा क्योंकि आप अभी सीनियर हो गए हो, तो डेटा मुश्किल होगा तो चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचनी भी होगी। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे 65 to 68 है तो क्या इसमें कुछ फिक्स है, 65 to 68 कंफ्यूज्ड, 65 है 66 भी इसके बीच में आ रहा है तो अब क्या होगा, ये भी फिक्स नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन है कि मैं क्या लूं फिक्स, तो यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे एवरेज, इन दोनों का एवरेज में निकाल दूं, दो नंबर है अगर दो से डिवाइड कर दूं तो एवरेज, यानी टोटल नंबर डिवाइडेड कितने नंबर है वही एवरेज होता है, तो मैं इसका एवरेज निकालूंगा। तो 65 और 68 का एवरेज निकालूंगा तो मैं लिखूंगा 65 + 68 / 2, क्योंकि दो नंबर है, एक 65 है और एक 68 है, 2 एवरेज ऐसे ही निकालते हैं करेक्ट। अब मैं इसको जोड़ूंगा 8 और 5 13, 6 6 12 और 1 13 133 और डिवाइडेड बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 6 12 1 13, 2 6 12 1 13 और 2 5 10, यानी इसका एवरेज आया 66.5, तो मैं इस एवरेज को यहां पे लिखूंगा 66.5। इसको ऐसे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर मतलब जो ऊपर वाली ये ज्यादा वाली, लोअर लिमिट ये लोअर लिमिट है, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्लास इंटरवल, जो डेटा है वो हमको ग्रुप में करके दे दिया गया है, तो अब इसका हम एवरेज निकालने का ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो ठीक। तो यहां पे मैंने लिख भी दिया, तो हमने फाइनली 66.5 पाया यहां पे। अब दोबारा हमको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा 2 से डिवाइड, इन दोनों को जोड़ना होगा 2 से डिवाइड, इन दोनों को जोड़ना होगा 2 से डिवाइड, जो वैल्यूज आएगी हमको ये वैल्यूज यहां पे लिखनी होगी, इसी तरह से ये नंबर का भी करना होगा। अब ये तो हो गया मुश्किल काम, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, यहां और यहां में अंतर कितने का है? देखो 65 68 अंतर कितने का है, 3 का है, यहां पे 68 70 कितने का अंतर, 3 का, यहां पे 71 74 अंतर कितने का, 3 का है राइट। तो जब आप एवरेज निकालोगे तो 3 का ही डिफरेंस आएगा, तो निकालने से बेहतर है हम इसको 3 3 जोड़ते जाए बस। जब ये करो तो आप ये देख लो कि इनके बीच का डिफरेंस हर इंटरवल में एक है कि नहीं, एक ही होता है जनरली, कोई इश्यूज नहीं आएगा, और ये देख लो कि 68 से यहां खत्म हो रहा है तो 68 से यहां शुरू हो रहा है, यानी एक्सक्लूसिव जो होता है वो डेटा होने, एक्सक्लूसिव का मतलब ये, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड कर देना, क्या एक्सक्लूड कर देना, 65 से 67 तक जाओगे लेकिन 68 यहां पर काउंट नहीं करोगे, यहां पर काउंट करोगे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया एक्सक्लूसिव। एनीवेज तो इस तरह से होगा, तो आप ये डिफरेंस देख लो कितने का है डिफरेंस, 3। अब आपको कुछ नहीं करना, 3 3 ऐड करते जाओ, ये तो आसान होगा ऐड करना, और 3 पूरा पूरा नंबर है तो डिसिमल तो सब जगह 0.5 सब जगह सेम रहेगा, तो इसमें भी 0.5 सेम ही होगा करेक्ट, 3 जोड़ दो तो ये 3 जोड़ दिया आपने, आ गया 69, 6 में 3 जोड़ दिया 69 हो गया ठीक है। अब उसके बाद फिर से 3 जोड़ दो, ये 0.5 किया 72 हो गया करेक्ट। अब फिर से 3 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ डाला यहां पे ठीक है, तो 75 आ गया, फिर से 3 जोड़ दो इसमें
तो कितना हो गया 70, 8 होके फिर से 3 जोड़ दो कितना हो गया 81.5 हो गया, फिर से 3 जोड़ दो दोबारा से तो कितना आ गया 84.5। तो देखा आपने, मैंने कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करी, सिर्फ एक का एवरेज निकाला और यहां से देखा डिफरेंस कितने का, उतना जोड़ता चला गया, फटाफट से आ गया आंसर। अब हमको क्या करना है, सिंपली इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ये वैल्यूज यहां पे मुझे लिखनी है, क्योंकि हमको पाना है एफ आई एक्स आई। सबका एफ आई एक्स आई अगर निकल जाएगा तो ये समेशन का साइन है, इसका मतलब जितने एफ आई एक्स आई सबको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा। तो चलो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। देखो, दो पंचे 10, दो छंग 12, एक 13, एक कैरी करूंगा, दो छंग 12, एक 13, 133 करेक्ट। अब मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां पे इस तरह से लिखना होगा। मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई किया, सबका मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दिया और लिखने के बाद ये ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब मुझे जरूरत है सिग्मा एफ आई की, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन मुझे सिग्मा यानी सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे ये मिला मुझे सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू और ये यहां से मुझे मिलेगा सिग्मा एफ आई की वैल्यू, तो ये जोड़ना पड़ेगा। तो 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10, 7, 17, 17, 3, 20, 4, 24, 24, 4, 28, 28, 2, 30, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। अब मुझे जो जो चीजें चाहिए होती हैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के लिए दोनों मिल गए, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, तो इसमें वैल्यू रखूंगा और अपना आंसर मीन का निकाल सकता हूं। तो चलो रखते हैं, मैं यहां पे रखूंगा सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह 2277.0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, यहां पे 30 है तो मैं 30 यहां पे लिखूंगा, ठीक बात। अब यहां जीरो मैं कैंसिल करूंगा तो यहां पे डिसिमल पॉइंट लगाऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो 3 7 21, 1 बचा, 3 बचे 15, 1 बचा राइट, उसके बाद दशमलव आ गया, 2 बचा, 3 9 27, मेरा आंसर कितना आया 75.9 करेक्ट। तो एक्स बार की वैल्यू हो गई यानी मीन की वैल्यू आई 75.9। ये मेथड जो मैंने इस्तेमाल किया ये मेथड है डायरेक्ट मेथड, इस मेथड का इस्तेमाल करने में मुझे परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये डिसिमल में भी है, नंबर भी बड़ा है तो यहां पे नंबर बड़े आ गए, उसके बाद जोड़ने में भी टाइम कंज्यूमिंग रहा, थोड़ा सा टाइम लगा करेक्ट। अब ये टाइम कम लगे उसके लिए दो मेथड आए, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। अब उसको देखो वो कैसे वर्क करता है, तो ये मिटा दूं, डायरेक्ट मेथड आप समझ गए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड जो इस फार्मूले पे इस्तेमाल होता है। तो ये फार्मूला नोट डाउन आप कर लो, ये वाला ठीक है, नोट डाउन कर लिया, मिटाओ, चलो 75.9 आया आंसर ठीक है। और ये मेथड हमने इस्तेमाल किया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और आंसर कितना आया 75.9। और हमने एक्स बार की वैल्यू निकाल ली यानी मीन की वैल्यू निकाल ली। अब देखो अगर ये नंबर नहीं होता तो मैं फटाफट कर लेता और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग में ना होता, तो इसका मतलब इस नंबर को मैं अगर और सिंप्लीफाई करूं किसी तरह से तो मुझे फ्रीक्वेंसी से गुणा करना आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हमको एक नंबर अज्यूम करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर जिससे ये जो वैल्यूज आ रही हैं थोड़ा आसान हो जाए। तो उसके लिए एक नंबर मैं अज्यूम करता हूं, मान लो 75.5,
ये जो नंबर हम अज्यूम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि इसी लिस्ट से ही मैं अज्यूम करूं, कोई दूसरा नंबर भी अज्यूम कर सकता हूं, आंसर सेम आएगा। या ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी अज्यूम कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हम जनरली बीच वाला अज्यूम करते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान होती है। हम सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? आसान कैलकुलेशन के लिए। हम ऐसा नंबर अज्यूम कर गए जो नंबर थोड़ा मुश्किल है तो और मुश्किल बढ़ जाएगी, आसान तो कैलकुलेशन होगी नहीं। इस लिस्ट के अलावा भी नंबर अज्यूम कर सकता हूं, 100 अज्यूम कर सकता हूं, 200 अज्यूम कर सकता हूं। लेकिन ऐसा देखा गया है अगर बीच का नंबर अज्यूम करोगे तो कैलकुलेशन फटाफट होती है। तो मैंने 75.5 ले लिया। अब इसको कैसे यूज करूंगा? ये नंबर को इस फार्मूले में रखूंगा, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है? ये इसको डी आई से लिखते हैं। डी आई मतलब डिविएशन, यानी जो नंबर मैंने अज्यूम किया उस नंबर से दूसरे नंबर कितने डिविएट हो रहे, उससे कितने दूर है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा 75.5। अब अज्यूम भी मैंने यही वाला नंबर किया है तो एक्स आई ये लिखा, अज्यूम भी मैंने 75.5 किया है तो मुझे आंसर कितना मिला? जीरो। देखो, जब अज्यूम करो, जो नंबर अज्यूम कर रहे हो उसी नंबर से शुरू करो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो कैसे, अब यहां तो जीरो आ गया पक्का, राइट। अब दूसरा देखो, दूसरा वाला नंबर मैं रखूंगा तो ये है 72.5 है, राइट। अब 72.5 से अज्यूम क्या किया? एक बार आपने अज्यूम किया तो वही नंबर बार बार इस्तेमाल करना आपको, तो अज्यूम नंबर है 75.5। अब इसको जब आप माइनस करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा? 75 से 72 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3, करेक्ट। लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि 75 ज्यादा है, तो ये -3 हो गया, करेक्ट। तो यहां पे मैंने लिखा -3। अब अगर सबसे माइनस करते जाओगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी, क्यों हल्का है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाओ। देखो इसमें डिफरेंस कितने का था? 3-3 का डिफरेंस था। यहां पे भी डिफरेंस की चीज को इस्तेमाल करके हमने फटाफट कैलकुलेशन की, तो यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। यहां पे 3 का डिफरेंस है तो ऊपर वाले में कितने का डिफरेंस होगा? 6 का होगा। और इसके ऊपर वाले में कितने का डिफरेंस होगा? 9 का डिफरेंस होगा। यहां पे देखोगे तो डिफरेंस कितने का होगा? यहां पे नहीं, यहां पे डिफरेंस होगा 3 का, तो यहां पे 6 का, यहां पे 9 का। ये नेगेटिव में जा रहा है तो नीचे तो छोटा है 70, ये देखो 75 है ना, तो 78 तो बड़ा नंबर आ रहा है। तो हम इसमें करेंगे, इधर करेंगे तो कितना करेंगे, ये +3 में होगा, +6 में होगा और +9 में। फटाफट कर लिया, कोई मुश्किल नहीं हुई। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, आप एक बार करना सीख जाओगे तो फटाफट होगा। तो फाइनली हमने ये किया। अब इस चीज को हमने सिंप्लीफाई करके इस चीज में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसका और इसका गुणा करूंगा। पहले इसका इसका करना पड़ता था तो मुश्किल आता था, अभी आसान वाले से आसान वाले का हम गुणा करेंगे, करें तो चलो करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे? 2 9 18, तो यहां पे -18। 4 6 4 6 24, 3 3 3 9, 8 0 0, 7 3 तो कितना, 21 प्लस में आएगा, 4 6 तो कितना आया, 24, 2 9 तो कितना आया, 18 है। अब हमको यहां पे क्या करना है, सिग्मा एफ आई डी आई। देखो फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, एफ आई एक्स आई। अब इसको डिविएशन वाला यूज कर रहे हैं तो सिग्मा एफ आई डी आई, एक्स आई वाला तो यहां इस्तेमाल किया ना, ये मुश्किल था तो अब इसको छोड़ दिया हमने। अब डी आई वाला किया तो एक्स आई की जगह मैं डी आई लिख रहा हूं, है ना, फॉर्मेट सेम है। एक बार आप ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ना है क्योंकि सिग्मा लगा है ना, तो जोड़ना है। तो भाई ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये -18 है और ये +18, ये भी कैंसिल हो। 21 में से 9 आप माइनस करोगे तो आएगा आंसर 12, ठीक। यहां तक आप पहुंच गए। अब जो
अज्यूम मीन मेथड का फार्मूला वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान दो। फार्मूला क्या है, यही हम रखेंगे, उसके बाद ए रखेंगे। ए क्या, जो अज्यूम्ड वैल्यू हमने मानी है 75.5, आपके केस में आप दूसरा मानोगे तो वही वैल्यू यहां पे रख दोगे। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई। अब ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लो, अज्यूम मीन मेथड का ये फार्मूला कर लिया नोट। अब देखो इसको वैल्यूज रखना है, ए की वैल्यू मैं कितना रखूंगा 75.5, ठीक है। ये वैल्यू तो 12 आई है, ये वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 30। सिंप्लीफाई कर लें, 6 × 12 6 × 30। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 5 × 1 = 5 दशमलव बढ़ाएंगे, 5 × 20 तो कितना आया 75.5 प्लस 0.4, आंसर कितना आया 75.9। देखो सेम आंसर आया यहां पे और यहां पे सेम आंसर। जनरली ऐसा देखा जाता है कि डायरेक्ट मेथड ना जो उससे आता है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट होता है, यहां केस में तो दोनों एक ही आ रहा है, लेकिन ये वाला ज्यादा एक्यूरेट, ये वाला थोड़ा सा डिफरेंस भी आता है, राइट। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब बड़े बड़े डेटा की बात कर रहे हैं आप, है ना, बड़े बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें 0.3 की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती, करेक्ट, 0.4 की। तो एनीवेज, तो ये फाइनली हमको अज्यूम मीन मेथड से हमने सीख लिया। तो ये मेथड कौन सा था, अज्यूम्ड मीन मेथड। ये कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड है। फार्मूले कैसे आए अभी मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, आपको आइडिया हो जाएगा। फिलहाल फार्मूला आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब ये जो है ना, अगर मुझे लगा कि ये भी मुश्किल है, मैं और आसान करना चाहता हूं, तो और भी आसान कर सकते हो। कैसे, ये जो डी आई है उसमें ऐसे नंबर से आप डिवीजन कर दो कि ये नंबर और सिंपल हो जाए। अब जनरली क्या करते हैं, जो ये डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस का हम डिवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमको और आसान नंबर मिल जाता है। किसी भी नंबर, बड़े नंबर को अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो यहां पे मैंने फार्मूला लिखा है डी आई। डी आई क्या है भाई, ये वाला देखो एक्स आई माइनस ए, यही वाला है, इसी को मैंने डी आई अपान एच। एच क्या है, इसकी जो लेंथ है, मतलब इसकी साइज जो है, हाइट, हाइट भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें डिफरेंस जो है वो मैं बात कर रहा हूं। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंस क्या यही वाला लेना है जो इसमें आता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, दूसरा भी लो। आपका पर्पस सिर्फ ये होना चाहिए कि आप जब ये डिवाइड करो ना तो सेम नंबर से सारे नंबर को डिवाइड करो, कोई भी नंबर चूज कर लो जो जिससे सारे नंबर को आप डिवाइड कर सको, कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ये, किसका डिफरेंस जनरली वही होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। ओके, तो मैं अब क्या करूंगा, इसको किस नंबर से, अगर मैं 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 से डिवाइड करूं तो एच हमारा क्या हो जाएगा, 3। तो यहां से शुरू करूं, ये तो 3 से डिवाइड करूंगा 0 ही रह जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। इसी तरह से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये फटाफट डिवाइड भी हो गया, राइट। फाइनली ये आया। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, मुझे कैलकुलेट कर सिग्मा एफ आई यू आई। अब ये यू कहां से ले लिया गया सिंबल, राइट। देखो जैसे हम लिखते हैं 3 अपॉन यू पी ओ अपॉन, राइट, इसको क्या बोलते हैं, अपॉन या डिवाइडेड भी बोलते हैं, लेकिन अपॉन भी बोलते हैं, 3 अपॉन 5। तो यू आया ना उसमें, तो शायद यहीं से उठा लिया होगा, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं तो यू उठा लिया वहां से और हमको दे दिया। एनीवेज, तो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एफ आई तो वही अपना है, यू आई यहां पे है तो मैं गुणा करूंगा, 2 × 3 = 6 तो कितना, -6, 4 × 2 = 8 -8, 3 × 1 = -1, 8 × 0 = 0, 7 × 1 = तो कितना आएगा, 7 नहीं सॉरी 3 × 1 = -3, है ना,
सेवन का वन से गुणा सेवन, चार का दो से गुणा आठ, और दो का तीन से गुणा, दो तीन छह। ये थोड़ा सा बोर्ड पे करना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि बोर्ड आपको दिख रहा होगा छोटा है, लेकिन ये काफी बड़ा है, तो वहां से वहां देखने में परेशानी होती है, इसलिए कैलकुलेशन में कभी कभी इधर उधर हो जाता है। ठीक है, एनीवेज, तो चलो अब इसको भी जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि समेशन का साइन है ये, सिग्मा लगा है, तो जोड़े ऐसे छह से यहां उड़ा दे, यहां उड़ा दे, ये उड़ाने की जरूरत नहीं है, तो मैं बता रहा हूं, अगर नहीं भी उड़ाएंगे वैसे ही दिमाग में करें, फटाफट कर लेंगे। ठीक है, ओके, आठ प्लस में आठ माइनस में इधर, सात में से तीन माइनस करोगे कितना आएगा, आंसर आएगा चार, कितना आया प्लस चार। अब इसका फार्मूला अलग है, ध्यान से देखो, एक्स बार इज इक्वल टू ए, वही अज्यूम डाला, उसके बाद सिग्मा एफ आई यू आई, ये तो यही है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब यहां पे इस पूरे का एच से गुणा भी है, क्यों गुणा है, इसलिए क्योंकि भाई एच भी तो हमने इस्तेमाल किया था, अज्यूम भी इस्तेमाल किया इनडायरेक्टली, ये डी कहां से निकाला था, ए से, तो इसलिए वो भी लिखना जरूरी है, एच वाला भी ना जरूरी है। तो जो आपने जिस नंबर से डिवाइड किया है वो नंबर याद रखें कि कितने से डिवाइड किया। ठीक है, ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर दें, ए कितना रखूंगा मैं 75.5, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है 4 है, ये वैल्यू कितनी है सिग्मा एफ आई, ये 30 है, राइट, तो 30 रखूंगा। एच कितना लिया था हमने, 3 लिया था ना, तो 3 यहां पे कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल किया, यहां पे 10 आ गया, एक जीरो हटाया यहां पे 0.4 आ गया, तो ये आया 75.5 और प्लस 0.4, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 75.9। तो देखो 75.9 यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, और इस मेथड को स्टेप डिविएशन मेथड बोलते हैं, इसमें भी सेम ही आंसर आया। ठीक बात, ये दो मेथड हमने क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए ताकि जो ये नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं ना, इनको मैं सिंप्लीफाई कर सकूं, सिंप्लीफाई करके हम आंसर ला सकें। अब यहां तो काफी बड़ा नंबर था, सारा काम इसी पे हम कर रहे हैं, इसी को सिंप्लीफाई किया, एक्स आई को डी आई के फॉर्म में, इसको सिंप्लीफाई किया, डी आई को हमने यू आई के फॉर्म में लाया, राइट, यही सिंप्लीफाई हो गया। और अब जो भी हमने सिंप्लीफाई करके किया, डी आई किया चाहे यू आई किया, सबका गुणा हमने एफ आई से ही किया, क्योंकि फार्मूले में सब में एफ आई तो 100% हाई है, राइट। तो ये दो चीजें, ये और ये, हर किसी में आपको करना होगा। यहां तो बिल्कुल आसान था, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना, पहले का एवरेज निकालना है, फिर डिफरेंस जितना है वो जोड़ते चले जाना है। इसमें भी वही ट्रिक इस्तेमाल हमने की थी, इसमें भी वही ट्रिक इस्तेमाल की, तो ये डिफरेंस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखना, कि बस ये ध्यान में रखना कि सीरीज जितने से खत्म हो रही है उतने से शुरू हो रही है कि नहीं, डिफरेंस सेम रहना चाहिए। ठीक है, और ऐसा ही होगा, ज्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड आपके एग्जाम में नहीं आता। तो इस तरह से हमने तीनों मेथड सीख लिए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया, मिटाओ इसको, चलो फार्मूले का थोड़ा सा समझ लेता हूं। देखो, अगर x बार मैं यहां पे लिखूं और इसको मैं लिख दूं x बार, तो कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम ही चीजें हैं, ओके। अगर मैं यहां पे माइनस ए कर दूं और यहां पे प्लस ए कर दूं, अब कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी सेम चीज है, प्लस है माइनस, अगर इसको इसको कैंसिल करोगे फिर से ही आ जाएगा। ये जो ए है इसको हम ऐसे रखेंगे, ये जो एक्स बार माइनस ए है, इसी एक्स बार माइनस ए को हम बोलते हैं डी बार, मतलब एवरेज ऑफ डिविएशन है, क्या है, एवरेज ऑफ डिविएशन है। तो एवरेज ऑफ डिविएशन को हमने कैसे लिखा था, एफ आई डी आई
एफ आई, और यहां पे सिग्मा लगाया था, यहां पे सिग्मा लगाया था, और फाइनली हमको यही तो मिला था जो अज्यूम मीन मेथड का फार्मूला, करेक्ट। तो ऐसे याद करें कि ये जो प्लस है ना, जो यहां पे माइनस सब जगह किया है फार्मूले में, प्लस कर दिया, बस हो गया ये फार्मूला आ गया। ठीक है, ये भी, ये क्या है, एक तरीका, ये एवरेज है, डिविएशंस का एवरेज है, तो डिविएशन का एवरेज हमने कर दिया। ए जो यहां पे हम घटा रहे थे वही यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, ओके। अब दूसरा देखो, ये वाला कैसे आया, ये है हमने किया एक्स, अब मैं यहां पे एक्स बार करूं बराबर है, अगर माइनस करूं प्लस करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैंने बताया। अगर मैं ऐसे कुछ कर दूं, यहां पे x से डिवाइड कर दूं और x से ही गुणा कर दूं, अब कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम चीज है। इसको इसको कैंसिल करोगे, इसको इसको कैंसिल करोगे, फिर से वही आ जाएगा। ये a को हमने ऐसे ही रखा और x बार माइनस a डिवाइडेड बाई h है, इसको हमने कर दिया u, u बार कर दिया और h। ये u क्या है, ये भी एवरेज ही है, ये भी एक तरह से मीन ही है, राइट। अब इसी चीज को हमने कुछ ऐसे लिखा, देखो जो एच का यहां पे हमने डिवाइड किया था, फार्मूले में एच का गुणा दिख रहा है आपको, राइट। तो ए हुआ और प्लस इस यू को हमने कैसे, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई और इनटू एच, ये फार्मूला हमने बना दिया था स्टेप डिविएशन का। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर अगर ए इधर कर दूं, एक्स आई इधर कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा जो माइनस है, ये साइन का फर्क पड़ेगा, और यहां पे भी आपको साइन लगाना पड़ेगा, यहां पर भी साइन लगाना पड़ेगा, और साइन यहां पे तो जोड़ना पड़ेगा लेकिन नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो कैलकुलेशन क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी तो और मुश्किल हो जाएगी। आप कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं, लेकिन सब कुछ माइनस माइनस में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन और डिटेल में अगर आपको समझना है ये बात मैं क्या बोल रहा हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं डिटेल में भी आपको समझा दूंगा कि ये क्यों, अगर ये चेंज करने पे भी सब कुछ सेम ही रहता है, साइन का फर्क पड़ता है। अच्छा, यहां पर भी कुछ कंफ्यूजन होता है, बच्चे बोलते हैं कि अगर सर मैं पूरा ये जोड़ दूं, इसको पूरा जोड़ दूं, पहले इसको जोड़ दूं, जोड़ने के बाद जो आता है उसका उसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ेगा, क्योंकि दो आप अलग अलग चीजें बोल रहे हो। देखो, हमारा फार्मूला है एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई, ये है, ठीक है। आप बोल रहे हो पहले इसको इसको जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो आप क्या कर रहे हो, सिग्मा एफ आई कर दोगे, राइट। फिर उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि इसको जोड़ दो, तो आप कह रहे हो कि सिग्मा एक्स आई को जोड़ दिया। फिर उसके बाद आप बोल रहे हो इन दोनों का गुणा करोगे, अगर इन दोनों का अब गुणा करोगे आप, तब ये फार्मूला अलग हो गया, तो आंसर भी अलग आएगा। तो इसलिए पहले गुणा करना है, बॉड मास तो जानते हो ना सर, कि पहले अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ऐड कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करना। तो होप ये आप, ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइज़।